देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, सम ऑफ अप टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 8, किस कहता है क्या, इसके एन टर्म्स के, इस सीरीज के एन टर्म्स का सम निकालना है अपने को। ठीक है, तो चलो हम लोग देखो एन टर्म्स का सम निकालना है। तो एस क्या है तुम्हारे पास जिसका सम निकालना है, वो है 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 8 प्लस डॉट डॉट 2 एन टर्म। कहां तक पहुंच रहे हम लोग, एन टर्म्स तक। तो चलो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो इसका एंथ टर्म निकालना है हमको। तो एंथ टर्म देखो तो हर एक में दो दो टर्म है, तो और क्या देख रहे हैं हम लोग ध्यान से कि ये देखो 2, 3, 4, 5 ऐसा 2, 3, 4, 5, इसका जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है वो 2, 3, 4, 5 चल रहा है और जो सेकेंड पार्ट चल रहा है 1, 2, 4, 8 ऐसा चल रहा है। तो हम लोगों को इसका जो एंथ टर्म आएगा उसमें भी दो पार्ट होगा, और उसमें पहला पार्ट जो होगा वो 2, 3, 4, 5 का एंथ टर्म आएगा और जो दूसरा पार्ट आएगा वो 1, 2, 4, 8 का एंथ पार्ट आएगा। तो ठीक है, तो चलो इसका टीएन निकालते हैं। तो टीएन कहने का मतलब एंथ टर्म निकालते हैं। तो एंथ टर्म क्या हो रहा है तुम्हारा, एंथ टर्म ऑफ किसका एंथ टर्म चलेगा, पहला वाला पार्ट 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 इसका एंथ टर्म होगा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, एंथ टर्म ऑफ 1, 2, 4, 8 इसका एंथ टर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, तो टीएन ये वाला चीज क्या है तुम्हारा, ये तो एपी दिख रहा है 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो रहा है 1, 2, 4, 8, ये क्या दिख रहा है, जीपी दिख रहा है। तो चलो एपी का एंथ टर्म क्या होता है, ए 2 + n − 1 और डी कितना है 3 − 2 1 है, तो इतना आ गया तुम्हारा इसका। और इसका देखो एंथ टर्म, जीपी का एंथ टर्म क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन होता है। तो अभी देखो 1, 2, 4 इसमें ए तो 1 है और आर कितना है 2 है, तो ठीक है तो ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन ऐसा हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, तो ये क्या हो जा रहा है तुम्हारा एंथ टर्म जो आ रहा है वो 2 + n − 1 × 2 to the power n − 1। तो यहां से देखो ये इसका मतलब ये क्या आ रहा है, n + 1 × 2 to the power n − 1, ये तुम्हारा क्या आ गया nth टर्म आ गया इस वाले सीरीज का। तो हमारे पास अब जो सीरीज अवेलेबल है, तो दिस इंप्लाइज s इक्वल टू वो है 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 8 और चलते चलते लास्ट में क्या है तुम्हारा n + 1 × 2 to the power n − 1। ठीक है, अच्छा देखो इसको इजी बनाने के लिए हम किसको सॉल्व हम इजीली कर पाए, इसको ना थोड़ा सा हम एपी जीपी की तरह लिख देते हैं। तो वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखो ध्यान से। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज s इक्वल टू 2 × 1 ठीक है, 2 × 2 ठीक है, 3 × 2 ठीक है, और 4 × यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 5 × क्या करते हैं 2 का क्यूब लिखते हैं, और ऐसे फाइनली n + 1 × 2 का पावर n − 1 लिखते हैं। चलिए यही सेम चीज यहाँ पे लिखें, बस इसमें फील आ रही है ना कि देखो 1, 2, 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये जीपी में है और 2, 3, 5, 4, 5 ये क्या है तुम्हारा एपी में, इससे हमको बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो साफ पता चल रहा है कि इसमें जो जीपी वाला पार्ट है उसका आर क्या है 2 है, तो चलो 2 से पूरे एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज 2s = क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करना होता है, तो देखो यहाँ पे 2 × 1 जब हम ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × क्या रहे 2 आ रहा है, इसमें करेंगे तो 3 × क्या रहा है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 2 का, पहले से 2 था 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 प्लस, और लास्ट वाले में करेंगे तो क्या आएगा n + 1 × 2 का पावर कितना आ जाएगा n, और उससे पहले लिखना है तो हर एक में क्या हो रहा है देखो 2, 3, 4 एक एक बढ़ रहा है, तो n + 1 से एक कम कर लेते हैं n, और पावर सबका 1 1 बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 का पावर n − 1। ठीक है, चलो अब सबको क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस यहां भी माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है यहां पे s − 2s आ रहा है। अभी देखो ये तो 2 × 1 रहेगा प्लस, अभी देखो यहां पे 3 × 2 − 2 × 2 तो यहां पे क्या बच रहा है सिर्फ 2 बच जा रहा है, 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 का स्क्वायर, तो यहां क्या बच जा रहा है 2 का स्क्वायर बच जा रहा है, नहीं
चार दो का स्क्वायर में तीन दो का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो चार दो का स्क्वायर में तीन दो का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो एक दो का स्क्वायर बच गया। पांच दो के क्यूब में चार दो का क्यूब घटा रहे हैं, तो हम लोग दो का एक दो का क्यूब बच गया। और ऐसे चलते चलते देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन माइनस वन दो का पावर एन में एन घटा रहे हैं, तो दो का पावर क्या बच गया, एन माइनस वन बच गया। और लास्टली माइनस ये वाला क्या बचा है, एन प्लस वन टू टू दी पावर एन बच गया। ठीक है, तो फिर देखो यहां से तुम्हारा ये तो टू हो गया, और यहां से यहां तक जो है देखो दो का पावर एक, दो का पावर दो, दो का पावर तीन, तो ये एक जीपी बन गया। यहां से यहां तक क्या बन गया, जीपी बन गया। और ये कितने टर्म्स है, एन माइनस वन टर्म्स है। देखो स्टार्ट वन से हुआ था, लास्ट कहां कर रहा है, एन माइनस वन पर कर रहा है, तो ये एन माइनस वन टर्म्स है। तो चलो देखो यहां पे माइनस एस हो गया, एस माइनस टू एस, तो माइनस एस हो गया। इस टू को हम लोग यहां पर रख लेते हैं, अब प्लस एक जीपी है तुम्हारा। अच्छा इस जीपी का सम लिखना है, और जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, टू है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, टू, और आर कितना है, टू, तो टू टू दी पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो टू माइनस वन आ गया। अब माइनस यहां से आ रहा है, एन प्लस वन टू टू दी पावर एन आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखो यहां पे माइनस एस इक्वल टू कितना हो रहा है, टू प्लस, देखो टू माइनस वन कितना आया, वन, तो यहां पे भी टू आया। अच्छा इस टू को इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो टू का पावर कितना आ जाएगा, एन, वन पावर है टू पर, और यहां क्या है, एन माइनस वन है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का पावर एन आ जाएगा। और यहां इसको इससे करेंगे तो माइनस टू आ रहा है, और माइनस अभी देखो इसको इससे कर रहे हैं तो एन टू टू दी पावर एन, और माइनस प्लस माइनस टू टू दी पावर एन आ रहा है। अब थोड़ा देखो यहां टू टू दी पावर एन यहां से और यहां से कैंसिल हो गया, ये टू और टू यहां से कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है बात। अब थोड़ा देखो यहां पर हम लोग आ जाते हैं, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये माइनस एस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो इधर क्या बच गया, एस, और यहां क्या रहे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एन टू टू दी पावर एन, और यही मेरा आंसर है। समझ में आया, अब आप इसको नोट कर लो। ठीक है।